हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में जून 2024 के कंप्लीट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है और इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। और इसके साथ साथ अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो। अगर हम नेटो की बात करें तो नेटो के जो नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं उनका नाम मार्क रूट है और ये जो है जेंस स्टोल्टनबर्ग को रिप्लेस करने वाले हैं अक्टूबर 2024 में, क्योंकि जॉन स्टोनबर्ग जो है ये अक्टूबर 2024 में रिटायर हो जाएंगे और इनकी जगह पर मार्क रूट को सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो मंतखब किया गया है। अगर हम नेटो की बात करें तो नेटो का जो सरबरा होता है उसे सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस इसे समझा जाता है, जिसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम में है और इसमें 32 मेंबर कंट्रीज हैं। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना नेटो के मेंबर कंट्रीज नहीं हैं और ये 14th सेक्रेटरी जनरल बने हैं और ये नेदरलैंड्स से ताल्लुक रखते हैं मार्क रूट साहब, और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड्स भी सर्व कर चुके हैं। विच कंट्री इन जून 2024 वाज रिमूव्ड फ्रॉम एफएटीएफ मनी लॉन्ड्रिंग ग्रे लिस्ट? सो इसका करेक्ट आंसर तुर्किया है। तुर्की को 28 जून 2024 को एफएटीएफ की मनी लॉन्ड्रिंग ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पेरिस में फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, 39 मेंबर स्टेट्स हैं इसके और पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, और इसने तुर्की को 28 जून को जो है ग्रे लिस्ट से निकाल दिया, मनी लॉन्ड्रिंग ग्रे लिस्ट से। एज पर ग्लोबल वेल्थ एंड लाइफ स्टाइल रिपोर्ट 2024 विच इज़ दी वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, तो ये रिसेंटली एक रैंकिंग जारी की गई है और इस रैंकिंग के मुताबिक वर्ल्ड का सबसे महंगा शहर जो है एक्सपेंसिव सिटी वो सिंगापुर है, और सेकंड टाइम इन अ रो यानी कि मुसलसल दूसरी मरतबा सिंगापुर को ये टाइटल दिया जा रहा है कि ये वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है, यानी कि सबसे महंगा सिटी है रहने के लिए। और इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है, हु हैज बिकम द फर्स्ट बॉलर टू ट्रैक हैट्रिक्स इन टू कंजेक्टिव मैचेस इन T20 वर्ल्ड कप? सो पैट कैमिंस इसका करेक्ट आंसर है। पैट कैमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और ये फर्स्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने हैट्रिक्स किए हैं T20 कंजेक्टिव मैचेस में T20 वर्ल्ड कप में। सो पैट कैमिंस इसका करेक्ट आंसर है। एज पर सिप्री रिपोर्ट 2024 विच कंट्री हैज हाईलाइटेड नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स? विच कंट्री हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रशिया है। रशिया के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि सबसे ज्यादा जोहरी हथियार है, सिप्री रिपोर्ट 2024 में बताया गया है। रशिया के पास 5580 जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि वॉर हेड्स हैं, और दूसरे नंबर पर यूएसए के पास हैं, और इंडिया के पास 172 वॉर हेड्स हैं, और पाकिस्तान के पास 170 जोहरी हथियार हैं। सिपरी की बात करें कि तो ये एक थिंक टैंक है स्वीडन की। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाडिया शेबनेम हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो इसका करेक्ट आंसर मैक्सिको है। मैक्सिको की फर्स्ट जो है फीमेल प्रेसिडेंट बन गई हैं, क्लाडिया शेबनेम इनका नाम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट 2024? सो फोर्ब्स ने एक जो है लिस्ट जारी किया है जिसका नाम है रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट 2024। इसको जो है एलोन मस्क ने जो है वो टॉप किया है, यानी कि इस रैंकिंग के मुताबिक वर्ल्ड का सबसे अमीर तरीन जो शख्स है वो एलोन मस्क है। एलोन मस्क की अगर हम बात करें तो ये टेस्ला जो कंपनी है उसके ओनर हैं और स्पेस एक्स के भी ओनर हैं, और इनकी नेटवर्थ जो बताई गई है वो है 207 अरब यूएस डॉलर, और ये यूएस से अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं। नेम द फर्स्ट कॉस्मोनॉट हु स्पेंट 1000 डेज इन द स्पेस? सो इसका करेक्ट आंसर ओलेग कोनोनेनको है। ओलेग कोनोनेनको ये रशिया से ताल्लुक रखते हैं, खलाबाज हैं, और ये फर्स्ट पहले खलाबाज हैं जिन्होंने स्पेस में खला में 1000 दिन जो हैं वो गुजारे हैं। विच प्लेयर हैज़ रिसेंटली स्कोर्ड द फास्टेस्ट T20 सेंचुरी? सो इसका करेक्ट आंसर साहिल चौहान है। साहिल चौहान जो कि एस्टोनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने रिसेंटली फास्टेस्ट T20 सेंचुरी बना ली है और इन्होंने 27 गेंदों पर 100 रन बनाकर रिकॉर्ड कायम किया है।
द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स 2024 की जो मीटिंग है ये रशिया में हुई है, क्योंकि ब्रिक्स का जो ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है 2024 में वो रशिया के पास है। ब्रिक्स की अगर मीटिंग हो रही है या ब्रिक्स गेम्स हो रहे हैं, ये सारे रशिया में मुनक्किद किए जा रहे हैं। हु इज द चैंपियन ऑफ मेंस फ्रेंच ओपन 2024 सिंगल्स टाइटल? सो इसका करेक्ट आंसर कार्लोस अल्काराज है। कार्लोस अल्काराज जो है ये इन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 सिंगल्स टाइटल विन किया है, और ये टेनिस प्लेयर हैं जो कि स्पेन से ताल्लुक रखते हैं। एज पर सिप्री रिपोर्ट 2024, पाकिस्तान के पास 170 जो है न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इलेक्शंस जो होने हैं नए सदर के लिए, ईरान के सदर के लिए, सो ये 28 जून को होने हैं, और ये वीडियो भी अब 28 जून जून को जो है वो अपलोड की जा रही है। इस वक्त जब ये वीडियो बनाई जा रही है तो काउंटिंग अंडर वे है ईरान में। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि ईरान के नए सदर कौन बने हैं। इस वक्त इलेक्शन जारी है, फ्राइडे का दिन है और 28 तारीख है। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो वो है विच इज़ द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज। सेम सेक्स मैरिज यानी कि लड़का लड़के से शादी कर सकता है, लड़की लड़की से शादी कर सकती है। ये जो है थाईलैंड जो है फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री बन गया है जिसने इस चीज़ को जो है वो रिकॉग्नाइज किया है, यानी कि यहाँ अब जो है थाईलैंड में कोई पाबंदी नहीं है कि सेम सेक्स वाले भी मैरिज कर सकते हैं। विच कंट्री इज होस्टिंग कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट 2024? सो अमेरिका आ रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये यूएसए में मुनक्किद होता है कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट 2024, ये अमेरिका में मुनक्किद हो रहा है, जो कि 48वां सेशन है 2024 में ये हो रहा है। विच कंट्री हैज़ रीच द सेमी फाइनल ऑफ T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री? सो इसका करेक्ट आंसर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान पहली मरतबा T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 जो है ये जो है वो जर्मनी में हुआ है, ये क्लाइमेट का कॉन्फ्रेंस है, और बॉन जो है एक एरिया है जर्मनी में, सिटी है, तो वहाँ ये मुनक्किद किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 को स्वीडन ने टॉप किया है। स्वीडन इसका करेक्ट आंसर है। करंट जो क्राउन प्रिंस है वली अहद हैं कुवैत के, उनका नाम सबा अल खालिद अल सबा है। और इसके साथ साथ एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे जो है ये 15 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। विच कंट्री इज होस्टिंग द 15th G7 समिट? ब्रिक्स समिट, तो ब्रिक्स का जो समिट है वो तो रशिया में मुनक्किद होगा, लेकिन G7 का जो समिट है जो जून 2024 में हुआ, ये इटली में मुनक्किद किया गया। इटली इसका करेक्ट आंसर है, और ये 50वां एडिशन हुआ है इटली में G7 का समिट। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये 14 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। और ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग जो ये रशिया में हुआ है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हु हैज वन द बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड ऑफ लॉरेल्स स्पोर्ट्स अवार्ड 2024? इसका करेक्ट आंसर नोवाक जोकोविक है। नोवाक जोकोविक को 2024 का बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड से नवाजा गया है, और ये स्पेन के खिलाड़ी हैं जो कि सर्बिया से ताल्लुक रखते हैं। और राफेल नडाल किस कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। राफेल नडाल बिलोंग्स टू विच कंट्री, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हु हैज़ रिसेंटली बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द थर्ड टाइम? तीसरी मरतबा नरेंद्र मोदी जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। जून 2024 में इंडिया में जो है वो लोकसभा में वो इलेक्शन हुए हैं और इन्होंने विन किया है, और ये तीसरी मरतबा जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। माइन्यूट मैन 3 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM, ये रशिया, इसको यूएसए जो है डेवलप कर रहा है, यूएसए इसका करेक्ट आंसर है। ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। विच कंट्री होस्टेड एशियन सिक्योरिटी समिट 2024? तो ये जो है सिंगापुर में मुनक्किद हुआ है एशियन सिक्योरिटी समिट 2024, इसको शांगड़ी ला मीटिंग भी कहते हैं। विच कंट्रीज हैव क्वालिफाइड फॉर मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली मरतबा युगांडा और कैनेडा ने जो है वो क्वालिफाई किया है वर्ल्ड कप 2024 के लिए, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है ICC का, उसमें फर्स्ट टाइम युगांडा और कनाडा ने इसमें टॉप कर लिया है। और अगर हम ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो ये जून 2024 में इसका 9th एडिशन मुनक्किद किया जा रहा है, और इसको पहली मरतबा यूएसए में होस्ट किया जा रहा है। यूएसए और कनाडा, यूएसए और वेस्ट इंडीज दोनों मिलकर इसको होस्ट कर रहे हैं, यूएसए इसको फर्स्ट टाइम होस्ट कर रहा है।
और इसमें जो है टोटल 20 टीमें शिरकत कर रही हैं। इसके साथ टोटल 55 मैचेस इसमें खेले गए हैं और इसका फाइनल जो है वो 29 जून को जो है वो होना है। 29 जून को फाइनल जो है इसका 29 जून को होगा और इसका डिफेंडिंग चैंपियन जो है वो इंग्लैंड है। और इंग्लैंड ने लास्ट जो हुआ था T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसमें पाकिस्तान को शिकस्त देकर ये विन किया था, इसीलिए इंग्लैंड जो है इसका डिफेंडिंग चैंपियन है। और विनर के लिए जो प्राइज है वो है 2.45 मिलियन US डॉलर, यानी कि जीतने वाली टीम को, फाइनल जीतने वाली टीम को 24,50,000 अमरीकी डॉलर्स दिए जाएंगे। और इसके साथ ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद रनर अप उसे कहते हैं जो फाइनल में आकर हार जाए, उसके लिए 1.28 मिलियन US डॉलर का इनाम रखा गया है, यानी कि 12,80,000 अमरीकी डॉलर रनर अप टीम को दिए जाएंगे। और टूर्नामेंट जो है वो 9 वेन्यूज में ये मुनाकिद किया जा रहा है, USA और वेस्ट इंडीज में। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टम्स ऑफ एग्रेशन ये 4 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, माहौल का आलमी दिन 5 जून को मनाया जाता है। 2024 का थीम है लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलेंस। विच सिटी होस्टेड 4th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी 2024? तो ये वियना ऑस्ट्रेलिया में मुनक्किद किया गया है। कितने मुल्क रशिया के खिलाफ ड्रोन वेल मनाएंगे? हाउ मेनी नेटो कंट्रीज विल बिल्ड अ ड्रोन वॉल अगेंस्ट रशिया? ड्रोन दीवार जो है ये 6 नेटो कंट्रीज बनाने जा रहे हैं रशिया के खिलाफ। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी कि वालदेन का आलमी दिन 1 जून को मनाया जाता है। Formula 1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 जो है ये कार्लेक लेक्रेक ने जो है वो विन किया है। और ये Formula 1 के रेसिंग ड्राइवर हैं जो कि मोनाको से ताल्लुक रखते हैं। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। पाकिस्तान करंट अफेयर्स का भी PDF मिल जाएगा और ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का जून 2024 का भी PDF मिल जाएगा। testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0308253300। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह।